9 में विभागीय जांच में दोषी पाए गए कर्मचारियों की नियम विरुद्ध दूषित प्रक्रिया का उपयोग कर पुनः नियुक्ति के विरोध में निगम कमिश्नर को की गई शिकायत, लोकायुक्त को भी भेजी प्रतिलिपि। एक तरफ तो नगर निगम में कंगाली की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जांच में दोषी मस्टर कर्मियों की वापसी पर सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव जगजीवन राम नगर निवासी आशीष मिश्रा पिंटू की शिकायत पर विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर जोन क्रमांक 9 के 19 मस्तक कर्मियों को कार्य एवं हाजिरी से मुक्त करते हुए भुगतान पर रोक लगा दी गई थी। कुछ दिनों पूर्व मिश्रा को ज्ञात हुआ कि 19 दोषी कर्मचारियों में से 5 कर्मचारी जो कि विभागीय जांच में दोषी पाए गए थे, उन्हें वैधानिक एवं दूषित प्रक्रिया का उपयोग कर पुनः पद कार्य ग्रहण करवा दिया गया है, जो कि पूर्णतः विधिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। याद रहें कि आशीष मिश्रा पिंटू ने नगर निगम कमिश्नर रहे आशीष सिंह को जोन क्रमांक 9 के वार्ड क्रमांक 44 में 19 स्थायी कर्मचारियों की शिकायत करते हुए कहा था कि इन लोगों को फोकट की तनख्वाह मिल रही है, ये लोग सुबह दस्तखत कर चले जाते हैं। आशीष सिंह ने इस मामले की जांच उपायुक्त लता अग्रवाल से करवाई थी। विभागीय जांच में शिकायत सही पाए जाने पर 19 मस्टर कर्मचारियों को हटा दिया गया था, किंतु इसी बीच आशीष सिंह का तबादला होते ही खेल शुरू हो गया और भाजपा नेताओं के दबाव में 5 कर्मचारियों की वापसी हो गई। बताया जाता है कि जिन 5 कर्मचारियों की वापसी हुई है वे पुराने पार्षद रुपेश देवलिया के खास माने जाते हैं। मिश्रा ने बाबू वैदिक चौहान और जोन 9 के पुराने झेड़ो मनोज जैन पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए पुरानी जांच पाकर उक्त मस्तक कर्मियों को वापस नौकरी पर रखने की सिफारिश कर दी है। जिन कर्मचारी को नौकरी पर रखा गया है उनमें उद्यान विभाग में प्रदीप कुमार रूसिया, जल प्रदाय में मनीष श्रीवास, जल यंत्रालय ड्रेनेज में गोविंद हनुमान प्रसाद, जल प्रदाय में महेंद्र यादव एवं किशनलाल कुशवाहा हैं। मिश्रा ने आयुक्त से शिकायत में कहा कि जांच कर दोषी अधिकारियों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। मिश्रा ने इसकी प्रतिलिपि लोकायुक्त एसपी को भी भेजी है। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। 19 कर्मचारियों की शिकायत आपने की थी और जानकारी मिली कि 5 कर्मचारियों को वापिस नगर निगम में रख लिया गया है, अस्थायी कर्मचारियों को, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पिछले जनवरी में दिसंबर जनवरी में मेरे द्वारा शिकायत की गई थी कि 19 कर्मचारी हैं नगर निगम में जोन क्रमांक 9 में एक ही वार्ड के, और ये सब चाहे भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, और जिसकी शिकायत मेरे द्वारा बाकायदा सबूतों के साथ कमिश्नर साहब को की गई थी, तत्कालीन आशीष सिंह साहब को, और आशीष सिंह साहब ने उपायुक्त मैडम लता अग्रवाल जी को जाँच सौंपी थी, तो मैडम ने विभिन्न तारीखों पे बुला के और सब जांचें जब करी और सब पता लगाया तो उसमें मैडम को हमारे द्वारा जो की गई शिकायत वो सत्य पाई गई। तो इस शिकायत के आधार पर दिनांक 2 मार्च को आदेश हुए और 19 कर्मचारियों को, ऐसे फर्जी कर्मचारी जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, ऐसे कर्मचारियों को निकाल दिया गया। अब उसके बाद लॉकडाउन लगा और तत्कालीन नए जेडो के रूप में मनोज जैन साहब आए, और साथ में उनके कुछ से कर्मचारी भी हैं, कोई वैदिक चौहान और एक दो कर्मचारी और हैं, जिन्होंने इन 19 कर्मचारियों में से 5 कर्मचारी ऐसे थे जो कि इनके साथ मिलके फर्जीवाड़ा करके या तो मैडम को अनभिज्ञ रख के, और अनुशंसा इनकी इस प्रकार से की गई कि इन्हें पुनः वापस से नौकरी पर रखा गया, ऐसी मेरी जानकारी में आया। जिसकी मेरे द्वारा जानकारी ली गई जब विधिवत रूप से, तो जानकारी मेरी सही पाई गई, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा अभी पुनः मैडम को की गई है, तत्कालीन अपने कमिश्नर मैडम को अभी की गई है। मैडम द्वारा इसमें जांच माननीय सिन्हा साहब उपायुक्त साहब को सौंप दी गई है, और बहुत जल्दी इसमें कोई रिजल्ट निकलेगा। ये जो 5 कर्मचारियों को निकाला गया था और ये वापिस इनको रख लिया गया, तो आपका क्या कहना चाहते हो आप इस मामले में कि ये जो इनको निकाला गया था तो उस समय क्या किसी प्रकार की कोई जाँच की गई थी निकालने के पहले? निकालने के पहले लगातार 4 महीने इनकी जांच चली जी, और जांच में इन्हें समय समय पर नोटिस देकर इनको बुलाया गया, जिसके कागज भी मेरे द्वारा मैडम को सौंप दिए गए हैं। मैडम ने उस पर पूरी तरीके से जब जानकारी ली तो मेरे द्वारा की गई जो शिकायत है अभी मैडम कमिश्नर को वो सही लगी, तो उन्होंने जांच
सिन्हा साहब को सौंपी है, उपायुक्त साहब को, बहुत जल्दी इसमें बताया कि रिजल्ट देंगे। जब जांच के बाद ही इन्हें नौकरी से निकाला गया था, तो क्या इनके आवेदन पर इनको वापस नगर निगम में रखना न्यायोचित है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये विधिक रूप से और न्यायोचित रूप से दोनों तरह से ये गलत है। कारण ये है कि जिन दोषी कर्मचारियों को निकाला गया है उनमें शिकायत भी और जो जांच करने वाले अधिकारी भी वो थे, वो लोग भी आईएएस थे, कमिश्नर साहब थे और उपायुक्त मैडम थी जिन्होंने इसमें जांच करी है। वर्तमान में मैडम उपायुक्त तो आज भी नगर निगम में है, मौजूद है। उनको भी बड़े जब इस चीज की जानकारी लगी कि इस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ है तो वो भी काफ़ी असह्य महसूस करा उन्होंने। तो नगर निगम में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नीचे के कर्मचारियों द्वारा मिलीभगत करके और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अभी प्रदेश में माहौल बना रखा है उसको देखते हुए, ऐसा दबाव में आके कुछ कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके इस प्रकार का षड्यंत्र इन पांचों दोषी मिस्टर कर्मियों द्वारा किया गया है। अब इन इस फर्जीवाड़े के खिलाफ आपका अगला कदम क्या रहेगा? मेरे द्वारा जो इसमें शिकायत की गई है, मुझे ऐसा लगा था कि हो सकता है कि मैडम की जानकारी में ये मामला नहीं है, क्योंकि इसमें साइन चूंकि मैडम की है इसलिए मैडम की जानकारी में लाया गया है। अगर इस पर उचित तरीके से निर्णय नहीं निकलता है तो मेरे द्वारा इसमें अगला कदम अपन लोकायुक्त के रूप में किया जाएगा, लोकायुक्त में शिकायत की जाएगी और विधिक कार्रवाई जो भी होगी वो भी न्यायोचित की जाएगी। आपका नाम? आशीष मिश्रा, सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी।